हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वैल्यूएशन गुरु अश्वथ दामोदरन ने अडानी ग्रुप की लीडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की फेयर वैल्यू 945 रुपए बताई। अब फर्स्ट ग्लोबल की चेयरमैन और MD देवीना मेहरा ने कंपनी के शेयर को लेकर नई कीमत बताई है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट देवीना मेहरा को लगता है कि अडानी ग्रुप की फर्म अडानी एंटरप्राइजेस का उचित मूल्य 645 रुपए है। दिग्गज इन्वेस्टर शंकर शर्मा की पत्नी देवीना मेहरा ने एक के बाद एक ट्वीट में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा, अश्वथ दामोदरन की नजर में अडानी एंटरप्राइजेस की फेयर वैल्यू 948 रुपए प्रति शेयर है। अगर ग्रुप की पूंजी की लागत 10% से 12% तक बढ़ जाती है तो फ्लैगशिप कंपनी का शेयर भाव 645 तक गिर जाता है। मेहरा ने आगे लिखा, दामोदरन ने खुद कहा है कि उन्होंने ग्रुप के कैश फ्लो पर काफी आशावादी पूर्वानुमान लगाए हैं। वो ये मानते हैं कि सब कुछ तय समय पर हो रहा है और कुछ भी गलत नहीं हो रहा। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उतार चढ़ाव आम बात है। अगर चीजें समय पर पूरी नहीं होती तो अडानी एंटरप्राइजेस का फेयर वैल्यू और नीचे चला जाता है। BSE इंडेक्स पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत 1847 रुपए है। ये शुक्रवार को एक दिन पहले के मुकाबले 4.15% गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान शेयर का भाव करीब 10% लुढ़क कर 1734.60 रुपए तक आ गया था। 21 दिसंबर 2022 को ये शेयर 4189.55 रुपए के 52-वीक हाई पर था। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर की कीमत लुढ़क कर 1017.10 रुपए तक आई। आपको बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर के फेयर वैल्यू पर दामोदरन ने हिंडनबर्ग मामले को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस के लिए दामोदरन के शेयर की कीमत का अनुमान राजस्व वृद्धि और ऑपरेटिंग मार्जिन पर उत्साहित अनुमानों पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।